हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेक आर्च फ्लोर्स के बारे में बात करेंगे। जेक आर्च फ्लोर्स यूजुअली एक जो आर्चेस रहती हैं, ब्रिक की आर्चेस या स्टोन की आर्चेस, एक सीरीज रहती है इनकी, इस टाइप से बनी हुई रहती है एक लंबी सीरीज में। और ये जो आर्चेस हैं, ये के कंक्रीट बीम्स पे या फिर टिम्बर बीम्स पे या आर एस जॉइस्ट के ऊपर रेस्ट करते हैं। ये जो टिम्बर बीम या बीम्स या जॉइस्ट हैं, ये हमारे वॉल्स के ऊपर रेस्ट करते हैं और इनके ऊपर एक फ्लोर आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जेक आर्च फ्लोर। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, रोमन एम्पायर के टाइम से हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हुए आ रहे हैं। शुरुआत में इन जेक आर्च फ्लोर्स का यूज़ सिर्फ ब्रिजेस में किया जाता है, नाउअडेज इसको हम फ्लोर्स में भी यूज़ करने लगे हैं, स्लैब्स में भी यूज़ करने लगे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम सब फ्लोर को अपना प्रिपेयर करते हैं। सब फ्लोर को प्रिपेयर करने के लिए हम प्लिंथ को सैंड और मरम को से भर के उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं, लीन सीमेंट कंक्रीट का उसके ऊपर बेस लगाते हैं और उसके ऊपर डीपीसी का कोर्स लगाते हैं। उसके बाद ऊपर हम वॉल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वॉल्स को जहाँ जहाँ पर पिलर्स की जरूरत है वहाँ पर पिलर्स का भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तब जब हमारी वॉल्स सफिशेंट स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो उसका लोड विथस्टैंड कर पाए हमारे आर एस जॉइस्ट का या फिर टिम्बर बीम्स का या कंक्रीट बीम्स का, उसके बाद हम उसका जो है बीम्स प्लेस कर देते हैं हमारी वॉल्स के ऊपर। जब बीम्स प्लेस हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम ब्रिक वर्क से या स्टोन वर्क से आर्चेस का कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो आर्चेस का एक कोना एक बीम पे और दूसरा कोना दूसरी बीम के ऊपर रेस्ट करता है। इस प्रकार से ये सीरीज बनती चली जाती है। जब ये आपका आर्चेस पूरे अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसके ऊपर आर्चेस की में जो भी है मोर्टार का फिलिंग करते हैं। जो भी आपके गेप आते हैं ना, इसके जॉइंट्स के जो गेप आते हैं उसमें सारे मोटार्स फिल हो जाते हैं। तो अच्छा, इसको मोटार इसको क्या अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से आपका जो है आर्च काफी मजबूत बन जाता है। जब ये आपका पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है और सफिशियंटली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो इसमें हम सीमेंट कंक्रीट की ग्राउटिंग करते हैं। सीमेंट कंक्रीट की ग्राउटिंग करने से हमारे ऊपर से एकदम लेवल फेस आ जाता है और लेवल फेस आने से हमारा एकदम ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपका ऊपर जो है कंक्रीट का फ्लोर नहीं है बट आपके जो है इसका फ्लोर है जेक आर्च का फ्लोर है। नीचे से जरूर दिखेगा कि जेक आर्च का, लेकिन ऊपर से आप जज नहीं कर पाओगे। एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी कम खर्चे में काम हो जाता है, रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है विदाउट द कंप्रोमाइज ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज किए बगैर और रेनफोर्समेंट को हम अवॉइड कर लेते हैं तो काफ़ी हमारा खर्चा इसमें बच जाता है। और ये किसी भी तरीके के लोड, जो लाइव लोड और डेड लोड, सारे लोड को विथस्टैंड कर लेता है। ड्यूरेबल है क्योंकि काफ़ी पुराने समय के भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो कि जेक आर्चेस से बने हुए हैं, वो अभी तक विथस्टैंड कर रहे हैं, तो ड्यूरेबिलिटी में तो इसमें कोई हमको संशय नहीं रहता है। मेंटेनेंस भी इसमें काफ़ी कम है क्योंकि मटेरियल जो है हमारा स्टोन और ब्रिक और कंक्रीट यूज कर रहा है, तो इसमें मेंटेनेंस भी हमारा ना के बराबर आता है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएट बिल्डिंग मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं। एप्रोप्रिएट बिल्डिंग मटेरियल मतलब हम कम कॉस्ट में हम अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये ठंडा हो जाता है, आपका ये आपका जो फर्श है इसका काफी ठंडा रहता है तो इसको हमको कुछ थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। और आर्च होने के कारण क्या, इसमें साउंड गूंजता बहुत है, आवाज बहुत गूंजती है, तो हमको साउंड इंसुलेशन का भी हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ये आपके जो ब्रिक्स और स्टोन प्लेस करने के टाइम पे थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल है तो इसको बहुत सावधानी से प्लेस करना पड़ता है, अदरवाइज प्लेसिंग के दौरान ये क्रेक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही पुराने टाइम का जेक आर्च फ्लोर, जिसको कि हम मॉडर्न टाइम में भी यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सीरीज ऑफ आर्चेस से बनता है और कैसे अपना आर एस जॉइस्ट पे या बीम्स पे रेस्ट करता है और क्या क्या हम इस पर सावधानी कर सकते हैं और क्या क्या हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।